चलो आज स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है पोटेंशियो मतलब ये क्या मेजर करता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा बिल्कुल सही बात है, मतलब पोटेंशियल मेजर करता है। मुझे एक बात बताओ, ऐसा और कोई डिवाइस जो पोटेंशियली मेजर करता हो? वोल्टमीटर। कौन सा डिवाइस? वोल्टमीटर। बिल्कुल सही बात है। तो यार वोल्टमीटर क्यों नहीं पढ़, फिर हम पोटेंशियोमीटर अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? अगर वोल्टमीटर भी सेम काम करता है, पोटेंशियोमीटर भी सेम काम करता है, तो फिर इसको अलग अलग पढ़ने का फायदा क्या? वो स्मॉल करता होगा लाल सर। नहीं बेटा, पोटेंशियोमीटर आपको एक्यूरेट रीडिंग देता है। क्या देता है? एक्यूरेट रीडिंग। और आपको वोल्टमीटर में एरर मिलेगा। हाँ ज़्यादा एरर नहीं है, ज़्यादा एरर नहीं है, 5-7% 10% का एरर हो सकता है, ज़्यादा एरर नहीं है। बट अगर हमको परफेक्ट रीडिंग चाहिए, परफेक्ट नहीं थोड़ा बहुत तो होगा ही, बट अगर हमको नियरली परफेक्ट रीडिंग चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे? पोटेंशियोमीटर। क्या यूज़ करेंगे? पोटेंशियोमीटर। बट मान लो हमको 5-7 एरर से फ़र्क नहीं पड़ता, 5-7% से, तो हम क्या यूज़ करेंगे? वोल्टमीटर। कहती बात क्लियर? कहती बात क्लियर। अच्छा बेटा पोटेंशियोमीटर ना ऐसा नहीं है, बहुत लंबा होता है। क्या होता है ये? लंबा। अप्रॉक्सीमेटली मान लो आप 10 मीटर का होता है। कितने मीटर का? अगर 10 मीटर का होगा तो बेटा 10 मीटर कितना लंबा हो गया? तो हम ज़्यादातर यूज़ क्या करेंगे? वोल्टमीटर। क्या यूज़ करेंगे? वोल्टमीटर। आप पूछते हैं क्यों? बेटा कन्वीनियंट है। क्या है ये? कन्वीनियंट है। डेली लाइफ में हम इसी को यूज़ करेंगे। वो हम तभी यूज़ करेंगे जब हमको क्या चाहिए? नियरली परफेक्ट रीडिंग चाहिए। क्या चाहिए? नियरली परफेक्ट रीडिंग। क्या इतनी बात क्लियर? आज थोड़ा समझते हैं इसको, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, तभी आपको मज़ा आएगा। मान लो मेरे पास एक बैटरी है। क्या मेरे पास एक बैटरी? मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक वोल्टमीटर। क्या लगा दिया? वोल्टमीटर। बेटा अगर कुछ बैटरी है तो इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, और इसको मैंने बोला ई, इसकी ईएमएफ। कहते बात क्लियर? बेटा वी लिखते तो लिखते हैं हम ई माइनस आई आर। क्या लिखते हैं? नहीं लिखते। इसका मतलब जो वोल्ट, सुनना ध्यान से, इसका मतलब जो वोल्टमीटर मेजर कर रहा है बेटा वो ई माइनस आई आर मेजर कर रहा है। क्या मेजर कर रहा है? क्या वो ई मेजर कर रहा है? वो क्या मेजर कर रहा है? ई माइनस आई आर। पर आपको मेजर करनी है ईएमएफ। क्या मेजर करना है? मान लो आपने सेल लाया, आपने 2 वोल्ट मेजर करना, तो बेटा वो 2 वोल्ट मेजर कर पाएगा क्या? नहीं, वो तो कुछ कम करेगा ना यार, तो एरर आ गया। इसका मतलब हमको मेजर करना है ई। अब जो गैल्वेनोमीटर है ना वो डायरेक्ट ई मेजर करेगा, माइनस आई आर मेजर नहीं करेगा। तो क्या समझ आया? नहीं आया? आपको पता है आई आर की वैल्यू छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी। तभी मतलब जो वोल्ट मीटर होता है वो आपको थोड़ी रीडिंग थोड़ी गलत देता है, एरर के साथ देता है। ऐसा नहीं पूरी गलत है, थोड़ा एरर के साथ देता है। बट पोटेंशियोमीटर क्या करेगा? इस आई आर फैक्टर को जीरो कर देगा। क्या कर देगा? खत्म ही कर देगा इसको। तो जो V है वो किसके बराबर आ जाएगा? E के बराबर। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का गारंटी समझ आ गया? मतलब वोल्टमीटर भी वही काम है, पोटेंशियोमीटर भी वही काम। बस पोटेंशियोमीटर कैसा है? एक्यूरेट है। कैसा है? एक्यूरेट। जहां हमको 1% भी एरर नहीं चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग, हम क्या यूज करेंगे? पोटेंशियोमीटर। जहां चलता है 5-7%, हम क्या मेजर करेंगे? वोल्टमीटर। ज्यादातर लोकल हम दुनिया में मतलब डेली लाइफ में यूजुअली हम वोल्टमीटर यूज करते हैं, क्योंकि 5-7% का एरर हमको चलता है। बट जहां बिल्कुल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बिल्कुल रीडिंग चाहिए परफेक्ट, वहाँ पे पोटेंशियोमीटर। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? कुछ पूछना तो नहीं है? गारंटी। सेटअप पे देखें, सेटअप पे स्टार्ट करें, उतारे उसको। अच्छा पोटेंशियोमीटर ना हमारे 3 काम आ सकता है। कितने काम? 3 काम। पहला काम पोटेंशियोमीटर का, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ बैटरी। मान लो किसी बैटरी का ईएमएफ फाइंड करना है, तो हमको कौन फाइंड करके दे सकता है? वो पोटेंशियोमीटर। हमने देखा ना ई फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा काम कंपेयर कर सकता है बेटा, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 बैटरीज। मान लो आपके पास 2 बैटरीज हैं, तो दोनों बैटरीज की ईएमएफ को क्या कर सकता है? वो कंपेयर कर सकता है। क्या कर सकता है? कंपेयर कर सकता है, ठीक। थर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकता है। क्या फाइंड कर सकता है? इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी छोटा आर। मान लो आपके पास कोई भी बैटरी है, उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना, वो ये फाइंड कर सकता है। 3 काम कर सकता है पोटेंशियोमीटर। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? एक एक करके पढ़ेंगे, इस बात पे नहीं करना, ठीक है, मिटा दिए जाए। ठीक है स्टार्ट करते हैं, प्लीज बातें नहीं करें, आ जाए देखते हैं। सेटअप देख लीजिए, मान लो यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पे वायर है। क्या है यहाँ पे? इसकी लेंथ है L। कितनी लेंथ है इस वायर की? L। क्या इतनी बात क्लियर? बैटरी लगाई V वोल्ट की। कितने वोल्ट की? V वोल्ट। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, मतलब यहाँ 0 तो यहाँ V, यहाँ V तो यहाँ पे 0। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब
इस लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, क्या V माइनस जीरो V, इस लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है V, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी L में V है तो 1 में कितना हो जाएगा V बटे L, 1 यूनिट में। दिस इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाय L। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का गारंटी? अच्छा, अब हमने क्या कर दिया, जिसका EMF हमको जानना है हमने वहाँ उसको कनेक्ट किया ऐसे, देखो यहाँ पे लाया और इसका EMF जानना है, इसको कनेक्ट किया ऐसे, इसको बोला E और इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, इसको बोला R। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का, ठीक है। ये वो EMF है ना जिसको हमने E जानना है, हमको E कैसे जाने? अच्छा, हमने क्या किया, इसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर लगाया, और गैल्वेनोमीटर के साथ लगाई एक जॉकी। क्या लगाई? जॉकी, और जॉकी को यहाँ रखा। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, इस जॉकी को तब तक स्लाइड करेंगे जब तक क्या हो जाए, नल डिफ्लेक्शन नहीं आ जाए। अच्छा, नल डिफ्लेक्शन का मतलब करंट कितनी है? जीरो। अच्छा सुनना ध्यान से बेटा, इसका मतलब यहाँ पे करंट कितनी होगी? जीरो। एट नल डिफ्लेक्शन या एट नल पॉइंट आई इज इक्वल टू जीरो। क्या इस बात से एग्री करते हो? अच्छा, आई जीरो। अब सुनो, यहां जीरो तो यहां जीरो, तो बेटा यहां पे जीरो। अच्छा, अब छोटे से बड़ा, आपको पता है ये माइनस ये प्लस, छोटे से बड़ा तो प्लस, यानी ये आ जाएगा ई। यहां पे कितना आया? ई। अच्छा बेटा, यहां पे प्लस माइनस, अगर करंट यहां से आई जा रही है तो क्या आई आर, तो क्या लिखेंगे? ई माइनस आई आर। क्या लिखेंगे? बट आई कितनी है? जीरो। तो यहां पे आना था ई माइनस आई आर, तो यहां पे ई आएगा। कितना आएगा? क्योंकि आई आर, आई कितना है? जीरो। तो आई आर कितना हो गया? जीरो। तो बचा कितना? ई। अब यहां पे कोई करंट ही नहीं है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया? ई। क्या इतनी बात क्लियर? कहने का मतलब है अगर नल डिफ्लेक्शन हो तो जो यहां का पोटेंशियल होगा वही यहां का पोटेंशियल होगा। ये यह देखो, यहां का पोटेंशियल ई जीरो, यहां का पोटेंशियल भी ई जीरो। क्या इतनी बात क्लियर है? क्योंकि करंट तो दौड़ नहीं रही। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, मान लो ये जो नल डिफ्लेक्शन आया ये L1 लेंथ पे आया, कितने पे? L1, L1. टोटल तो L है ना, मान लो L1 पे आया। अच्छा, अगर मैं ध्यान सुनना, अगर मैं इतना सा पोटेंशियल लिखूं, इतना सा पोटेंशियल बेटा, टोटल पोटेंशियल देखना ध्यान से, L में V था तो 1 में V बटे L था, तो L1 में कितना हो जाएगा? V बटे L इंटू L1। समझ आ रहा है ना यार? अगर L में V था, टोटल में V था, तो 1 में V बटे L, तो L1 में कितना हो जाएगा? V बाय L इंटू L1। अच्छा, इधर का पोटेंशियल V बाय L इंटू L1 और इधर का पोटेंशियल ही E, तो क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? यानी E इज इक्वल टू V बटे L इंटू L1। 100% करेक्ट आ गया आपका EMF। अरे तुम्हें समझ आई है? नहीं आई? पक्का गारंटी? अच्छा सुनो, जॉकी आप रख रहे हो तो आपको L1 पता है, जॉकी आप रख रहे हो ना तो आपको L1 पता है, L बेटा वायर है जो, उसका L आपको पता है, V जो बैटरी लगाई है वो आपको पता है, तो क्या EMF निकाल दिया आपने सेल का? पहली एप्लीकेशन आ गई। अरे तुम्हें समझ आया या नहीं आया? पक्का गारंटी? क्या मुश्किल था तुम्हारे लिए? क्या मुश्किल था? कुछ नहीं है, जो था उसको कनेक्ट कर दिया, नल पॉइंट निकाला, नल पॉइंट निकाला तो मतलब पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम। तो यहाँ देखा, ये पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट से ये पोटेंशियल आ रहा है, दोनों को इक्वेट कर दिया, कुछ मुश्किल नहीं है। बट यहाँ से कंसेप्ट बड़े निकलते हैं, वो धीरे धीरे करके, वो 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन कराऊंगा मैं अच्छे अच्छे, ताकि आपका दिमाग थोड़ा खुले। आ जाओ, यही है पहली, ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पे भी, यहां पे मान लो ये वायर है 10 मीटर की, कितने मीटर की? 10 मीटर की। क्या इतनी बात क्लियर? और 40 वोल्टेज की हमने बैटरी वो लगा दी, बैटरी लगा दी। क्या इतनी बात क्लियर? हमने इसके साथ एक ईएमएफ सेल जोड़ा, सेल जोड़ा इसके साथ अपने, ये आर, यहां पे ये 4 वोल्ट, और यहां से ये है गैल्वेनोमीटर, और यहां से जॉकी जोड़ा। अब जॉकी जोड़ेंगे तो किसी L1 पे आएगी वो, आपने फाइंड करना है L1। क्या फाइंड करना है? L1 फाइंड करना है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का L1 फाइंड करना है, सुनना। अच्छा, मैंने आपको गिवन दे दिया I0 है, I0 मतलब नल पॉइंट आ गया। क्या आ गया? नल पॉइंट। तो अगर हम सबसे पहले, आपको पता है फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला छोड़ो, फॉर्मूला नहीं करना इसमें, आज याद मत रखना कि V by L into L1 is equal to E, खत्म हो जाओगे आप, ऐसे मत याद रखना, प्रॉपर सीखेंगे। बेटा ये 40 है तो क्या ये 0, तो ये 40, ये 0 और ये 40, मतलब 10 के अक्रॉस 40 है, तो V by L यानी 40 बटे 10 मतलब 4, V by L की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा बेटा, यहां पे 4 वोल्ट, यहां पे कितना है? 4। पर ध्यान से अगर हम देखेंगे तो बेटा, इस बार ये नेगेटिव है और ये क्या पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस। अब सुनना, यहां पे 0
जब हम इस बार प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या माइनस चार वोल्ट आएगा, कितना आएगा मतलब यहाँ पे आया माइनस चार वोल्ट, तो करंट जीरो, तो क्या यहाँ पे भी माइनस चार वोल्ट ऐसे ही आया ना यार। बट यार यहाँ पे जीरो से लेके 40 तक है, क्या जीरो के 40 के बीच में माइनस चार आएगा कभी? जीरो से 40 के बीच माइनस चार आएगा? इसका मतलब ये सेटअप नॉट पॉसिबल है। क्या है ये? नॉट पॉसिबल। अरे तुम्हें समझ आया या नहीं आया? अरे जब बैटरी उल्टी सीधी जोड़ दी गई ना तो ध्यान रखना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव से पहले नेगेटिव जोड़ा था पर अब नेगेटिव से क्या जोड़ा है तो दिक्कत होगी, ये सेटअप खराब है, आंसर निकल जाएगा। तुम क्या करोगे, इनटू L1 कर दोगे, इज इक्वल टू माइनस चार के बराबर कर दोगे, आंसर ले आओगे, L1 आ जाएगा, गलत आएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है ये सेटअप। क्लियर है बात? पक्का गारंटी? उतारो इसको जल्दी। माइनस चार क्यों नहीं आ सकती? कैसे जीरो से चालीस के बीच माइनस चार आता है? माइनस और जीरो के पीछे आता है। अरे जो हमको ढूंढना है, जो हमको ढूंढना है वो है ही नहीं इसमें। हम तो नाप तभी मान ले, तूने 20 नापने, तेरा स्केल ही दो का है, 20 नाप सकता है क्या? वो है ही नहीं उसमें, ये तो पीछे की बात है। स्केल में तू माइनस चार नाप सकता है ही नहीं ना, स्केल तो जीरो से स्टार्ट है। अरे चमका दिमाग तुम्हें है ही नहीं, जीरो से थोड़ा पीछे करते रहो, हो गया माइनस चार, क्या दे रहा आगे चार है उतना पीछे। जल्दी उतारे, कृपया बातें कम करें, क्वेश्चन की भरपार है हमारे पास, कंसेप्ट एक से एक बढ़ के सिखाएंगे, पर अगर तुम उतारोगे नहीं तो दिक्कत की बात है। आ जाए सही एंड फॉर्म क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस बार क्या हुआ, जो हमने बैटरी जोड़ी ना उसका अपना भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। कहती बात क्लियर? मान लो मैंने बैटरी जोड़ी 48 वोल्ट की, कितने की? 48 वोल्ट की, और 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। कहती बात क्लियर? यहाँ पे ये हमने वायर जोड़ी, वही अपनी ये वायर है। अब ये जो वायर है ना बेटा, यार वायर है तो कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ना यार इसका, तो जो इसका रेजिस्टेंस है आर, उसकी वैल्यू दी है इस बार 10 ओम। कितनी वैल्यू दी है? 10 ओम। कहने की बात क्लियर है? पक्का? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमने क्या किया, यहाँ से एक सेल जोड़ा, अच्छी देखो पोलैरिटी सेम है, ठीक। इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ा, इसके साथ क्या जोड़ा, गैल्वेनोमीटर, साथ में जोड़ी जॉकी, और हमने देखा जॉकी आई L1 पे, किस पे आई? अब ये L1 हमको पता नहीं। मान लो ये जो R है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 ओम, और ये है इसकी वैल्यू है 12 वोल्ट। कितनी है? आपने फाइंड करना है L1, क्या फाइंड करना है? L1, ठीक है, फाइंड क्वेश्चन है L1। अच्छा इस क्वेश्चन में चेंज क्या है? इस क्वेश्चन में ये चेंज है कि इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी आ गया और वायर का रेजिस्टेंस अलग दिया हुआ। कहते बात क्लियर? ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा ना इसमें। अच्छा हम कैसे करेंगे बेटा? पहली बात है इस 1 ओम का कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर नल पॉइंट है तो इसमें आई कितना है? 0। क्या इतनी बात चमक गई? अच्छा स्टार्ट करते हैं बेटा, यहाँ पे 0 तो क्या यहाँ पे 48? नहीं, इस बार 48। अरे रेजिस्टेंस आ गया ना बीच में। अगर मैं यहाँ से करंट निकालूँ, क्या निकालूँ बेटा? करंट का फॉर्मूला होगा E/R+R, यही होता है ना। ई कितना है? 48। R+R बेटा 2, और इसका कितना है? 10। दोनों सीरीज में है तो क्या 12, तो बटे 12 ये किससे कटा? 4 से। मतलब करंट कितनी बह रही है? 4 एम्पेयर। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा मतलब यहाँ से करंट आ रही है 4 एम्पेयर की। कितने एम्पेयर की? अच्छा बेटा यहाँ 0, तो यहाँ 0 तो मैं लिख ही सकता हूँ और यहाँ 0 भी लिख सकता हूँ। अब सुनो, ये जो लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ मेरे को दे रही थी 10 मीटर की, दी थी कितने की? 10 मीटर की। मतलब टोटल लेंथ कितनी है? 10 मीटर। अब अगर टोटल लेंथ 10 मीटर की है, सुनना ध्यान से, रेजिस्टेंस कितना है इसका? 10। करंट कितना बह रहा है इससे? 4 एम्पीयर। कितना? तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आया? क्या 40 वोल्ट? बिल्कुल। पोटेंशियल कितना आया? 40 वोल्ट। अरे क्या तुम्हें ये समझ आया नहीं आया? पक्का? क्योंकि 4 एम्पीयर नहीं पता चला, पता चला क्योंकि फील करो ना यार, 4 एम्पीयर बह रही तो 4 2 8 खा गई ना यहाँ पे, तो 48 से 40 ही बची। कहते हैं बात क्लियर? अच्छा यहाँ पे 40, तो अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालूँ तो क्या V बटे L के बराबर होता है? V देखना है हमने वायर के अक्रॉस, इसके अक्रॉस नहीं, वायर के अक्रॉस V कितना है? क्या 40? बिल्कुल लिखेंगे 40। लेंथ कितनी है वायर की? क्या 10? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया 4। कितना आ गया? 4। कहते हैं बात क्लियर? अच्छा अच्छा आपको पता है ये 0 छोटे से बड़ा, तो क्या ये 12? तो अगर 12 तो बेटा ये भी 12, तो बोल सकते हैं V बटे L इंटू L1 क्या इज इक्वल टू 12। हमने पता है V बाय L इंटू L1 इज इक्वल टू E, तो V बाय L की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू L1 इज इक्वल टू 12, तो L1 की वैल्यू क्या आ गई? 3। अरे तुम्हें समझ आई या नहीं आई? क्या मुश्किल था ये तुम्हारे लिए? बस क्या इसमें क्या चीज़ें एक्स्ट्रा थी? ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा थी और कुछ भी मुश्किल नहीं था, बाकी तो सब कैसा था? सेम ही था। सुराली समझ आया?
पक्का गारंटी या नहीं? अगर मैं यहाँ पे प्लस बड़ा डंडा या छोटा डाल दूँ फिर पॉसिबल ही नहीं है फिर क्या, फिर माइनस 12 आ जाएगा? माइनस 12 तो पॉसिबल ही नहीं है 0 और 40 के बीच में। क्या क्लियर है बात? पक्का गारंटी? ठीक उतारे हैं। सॉरी लिखे सुपर सेन वन आ जाएं, बातें ना करें। अच्छा वायर में 10 मीटर की ले रहा हूं, अगर नहीं भी लिखूंगा तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए। क्या करें, उतार ले क्वेश्चन करें? ठीक है आ जाओ बेटा। ये 24 वोल्ट, ये 10 मीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस की 6 और ये जो बड़ी वायर है इसका आर कितना 6, क्या इतनी बात क्लियर? सबसे पहले क्या यहाँ पे देखो, ये 0 तो क्या, ये 0 तो क्या, ये 0, अच्छा ये 0 तो छोटे से बड़ा, तो ये कितना 22, कितना आया 22, तो ये 22 तो क्या, ये भी 22, क्योंकि करंट तो कितनी है 0, क्या इतनी बात क्लियर? यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये 24, ये 6 और ये 6, तो करंट निकालेंगे पहले क्या हो जाएगा, 24/6+6 तो क्या 24/12, तो 12 कितने करंट आई, 2 एम्पीयर की, कितने करंट आई, अच्छा अगर 2 एम्पीयर की करंट 6 ओम से गुजरे तो क्या यहाँ पे 12 वोल्ट बनाएगी, कितना बनाएगी, अच्छा ये 0 और ये 12, क्या 12 पे आप 22 मेजर कर सकते हो? नहीं, नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अरे तुम्हें समझ आया? क्लियर? अब सुनो सुनो सुनो, पहले लिखो मत, पहले सुनो बेटा, क्या जो हमने बैटरी लगाई, जो मतलब हमने मेन बैटरी लगाई, क्या उसका ईएमएफ हमारे जो बैटरी जिसका मेजर करना था क्या उससे बड़ा था? हाँ हमने मेजर करनी है 22, लगाई कितनी 24, बड़ी लगाई, बट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर था क्या था बेटा, अक्रॉस द वायर, वो क्या हो गया बेटा, वो छोटा हो गया ईएमएफ ऑफ बैटरी से, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज, अगर आप फील करो, अगर मैं 22 की जगह यहां पे 16 वोल्ट भी निकालता क्या लगाता, तब भी ये मेजर नहीं कर पाती क्या? 24 और 16 में कितना फर्क है, 8 का फर्क है, नहीं तब भी मेजर नहीं कर पाता। हाँ ये इससे तो बड़ा है, बट पोटेंशियल अक्रॉस द वायर देखना है हमको, क्योंकि इस बार इसका आर बहुत बड़ा हो गया, फील करो ना, उसका रेजिस्टेंस आ गया बहुत बड़ा, करंट खा गया ना वो वोल्टेज, इसका मतलब हमने जो मेन देखना है वो क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, मतलब नोट करके लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल जिसको हमने निकालना है। क्या ये बात तुम्हें समझ आई? पक्का? यानी अगर यहां पे 16 निकालना है तो कम से कम यहां पे 16 17 18 वोल्ट होना चाहिए, उससे कम पे ये काम, हाँ ये इससे बड़ा है,
बट उससे कोई भी फर्क किससे पड़ता है? अक्रॉस द वायर से। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे पहली आपकी खत्म होती है, जो पहली अपने एप्लीकेशन। बिल्कुल। सेकंड और थर्ड तो बहुत आसान है यार, मेन यही है। सेकंड थर्ड में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आंसर आ जाता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Compare of EMF of two cells. To compare the EMF of two cells. अब हमारे पास कितने बैटरी दे दी जाएंगी? ये सेल दो, उनका हमने को EMF क्या करना है? Compare करना है। क्या करना है? Compare. आसान है यार ये, टेंशन मत लो, ये तुम्हें ऐसे समझ आ जाएगा। सेकेंड एप्लीकेशन, अच्छा एक और बात मैंने बताई नहीं आपको, मैं सारे सेल इस साइड से जोड़ रहा था ना, इस साइड से भी जोड़ेंगे एक बार। इस साइड से भी जोड़ सकते, क्लियर पक्का? इस साइड से भी जोड़ सकते, नहीं जोड़ेंगे हम वहाँ अपने हिसाब से करेंगे। अरे 100% सेम ही आंसर आता है। अच्छा बस एक बात याद रखना, पोलैरिटी का सेम रखना। देखो अगर सुनो, यहाँ से अगर आप जोड़ोगे ना तो आपने क्या करना है, पहले बड़ा डंडा बनाना फिर छोटा। ऐसा मत कर देना कि बड़े फिर पॉसिबल नहीं होगा वो, फिर तो क्लियर है बात, ऐसे करना। अच्छा यहां पे देखिए, इसको मैंने बोला E1, इसको बोला R1, पर क्या दो सेल बनाने पड़ेंगे इस बार? तो दूसरा भी अटैच करेंगे। इसको बोला E2 और इसके साथ क्या बोला? R2। क्या इतनी बात क्लियर? और साथ में एक की लगा देंगे। क्या लगा देंगे? की। दोनों को अटैच करेंगे, गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे, और यहाँ से क्या जॉकी। कहते मत क्लियर पक्का? कुछ मुश्किल लगा इसमें? अब सुनो हुआ क्या, इसको बोला K1 और इसको बोला K2। बेटा अगर ये V तो ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये V, तो ये V। कहते मत क्लियर? मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है इस बार? V बाय L। क्या है इस बार? ये तो सबको पता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास क्या है इस बार? V बाय L। अच्छा हमने क्या कर दिया, पहले K1 को, ये K1 ओपन है क्या है ये, इसको क्लोज कर दिया। क्या कर दिया इसको? क्लोज मतलब ऐसे, हमने K1 को जब क्लोज किया, K1 को क्या किया? क्लोज किया। तो फिर हमने क्या किया, जॉकी को उठाया और नल पॉइंट देखा, L1 पे आया। किसने पे आया? L1 पे। कहते बात क्लियर है? अच्छा बेटा ये जीरो, ये E, तो यहाँ पे कितना? E1। तो यहाँ पे अगर I जीरो है क्योंकि नल पॉइंट आ चुका है, तो I कितना हो गया? तो R1 तो वैल्यू नहीं है, मतलब ये E1, तो क्या यहाँ पे भी E1 बनेगा? तो हम सीधे लिख देंगे K1 को क्लोज किया तो V by L into L1 क्या इज इक्वल टू E1, वही वैल्यू है जो पहले पड़ा, कोई नया तो नहीं है इसमें, है ना? यहाँ का पहले पोटेंशियल कितना था? V by L into L1, नया पोटेंशियल इसकी वजह से क्या? E1 आया। क्लियर? फिर हमने क्या किया, K2 को जोड़ दिया, इसको हमने फिर खोल दिया और K2 को क्या कर दिया इस बार? क्लोज कर दिया। जब K2 को क्लोज किया, फिर हमने क्या किया, करंट देखा, फिर देखा I0 आ गया, बट इस बार जो बैलेंसिंग लेंथ आई वो L2 पे आई। किस पे आई? L2 पे। मान लो इस बार बैलेंसिंग लेंथ कहीं यहाँ पे आई, ऐसे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आई, तो ये L2 आ गई। तो फिर हमने लिखा, हमने क्या बोला, V बाई L इंटू L2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इस बार ये सर्किट तो देखना नहीं है, ये देखो जीरो, यहाँ पे कितना आया? E2। R2 की वैल्यू लेनी नहीं है, तो फिर यहाँ पे कितना आ गया? E2। क्या इतनी बात क्लियर है? दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दो। क्या कर दो बेटा? V बाय L कट गया। क्या वैल्यू आई ध्यान से देखो, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय, खत्म। कंपेयर कर दिया ना यार तुमने, यही तो था। अब सुनो, L1 क्या तुम उठा रहे हो जाकी? तो L1 पता है। L2 क्या तुम उठा रहे हो जाकी? L2 भी पता है, तो कंपेयर हो गया ना यार। E1 की आप एक की फाइंड भी कर सकते हो, अगर E1 या E2 की बने, L1 L2 की बने, मान लो E1 बता दिया किसी ने तो E2 निकाल सकते हो, और E2 बता दिया तो E1 भी निकाल सकते हो। सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे इस पे हल में, L1 L2 दिया होगा, बोलेंगे E1 E2 निकालो, बस यही। रेजिस्टेंस टू फाइंड
द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. बना दिया, स्टार्ट करें, देख लो पहले फिर करते रहना. सुनो, ये वो ये सब कुछ ठीक है. सेम हमने क्या किया इस बार, सर लगाया, आर निकाला. हमको सब पता है हमको ये आर निकालना है. क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस, यही तो है ना, आर निकालना. बट इस बार एडिशनल हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया. क्या लगाया है? अरे तुम्हें पता है ना ऐसा करके होता है रेजिस्टेंस बॉक्स. समझाया नहीं समझाया? बस वो लगाया हुआ है, मतलब नॉन रेजिस्टेंस लगाई है. क्या लगाई है? नॉन रेजिस्टेंस. क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब ध्यान सुने बेटा, एक की लगाई है. अभी की ओपन है. कैसी है की? ओपन. बेटा जब की ओपन है, जब K1 ओपन है, ध्यान से देखना, K1 ओपन है तो इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल निकालूं, ध्यान सुनो बेटा, ओपन है तो इसका मतलब करंट ही नहीं है, कोई बैरी. करंट कोई बैरी है क्या? नहीं बैरी. तो सीधे लिखूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या, V/L * L1 = E के बराबर. क्या क्लियर है बात? पक्का? कुछ मुझे पूछना तो नहीं है इसका? अच्छा, बिल्कुल सही बेटा. मैंने K1 को क्लोज कर दिया. क्या कर दिया? K1 को क्लोज. K1 को मैंने क्लोज कर दिया. अच्छा, बिल्कुल सही बात बेटा. जब K1 को क्लोज कर दिया, जब K1 को क्या कर दिया? क्लोज. तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ जीरो, तो क्या यहाँ भी जीरो? यहाँ पे क्या, ये क्या है बेटा? ई. तो यहाँ पे कितना हो गया? ई. कहती बात क्लियर? अब सुनो, ये आर, तो बेटा यहाँ से क्या गुजरा? ई माइनस आई आर. क्यों यार? अब ये सर्किट अपने में कंप्लीट है ना, पहले इसके नीचे कुछ नहीं था, पर अब कुछ तो है ना. इसका मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है, वो करंट फ्लो कर रही है E डिवाइड बाई R प्लस R. E की वैल्यू कितनी है? E और R प्लस R, यानी R प्लस RB. क्या ये बात तुम्हें समझ आई? मतलब इस बार करंट फ्लो कर रही है, इस बार करंट फ्लो कर रही है. अरे क्या तुम्हें समझ आया या नहीं आया? करंट समझ आया? पक्का? गारंटी? मान लो जब यहाँ पे ये K1 क्लोज की, तो आपका नल पॉइंट आया L2 पे. किसने, कितने पे आया? L2 पे. हालांकि इधर बनाना चाहिए था, पर चलो L2 पे आया. तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा इस बार? E-IR. क्या होगा? E-IR. क्या तुम्हें ये बात समझ आई या नहीं? जरा बता. देखो पिछली बार क्या था, करंट फ्लो सर्किट ही था, पर इस बार ये आपस में सर्किट क्या हुआ? फुल है ये सर्किट. तो करंट क्या फ्लो करती है? E डिवाइड बाय R प्लस R. तो E डिवाइड बाय R प्लस RB. कोई लिखा इसको, देखो ना, देखो इसको ऐसे मानो. क्या ये अब आई का वैल्यू समझ आई? ये अलग सर्किट है और वो सर्किट कैसा है? अब इसको जोड़ दिया. अब K1 क्लोज कर दिया, तो हमने देखा L2 पे हमारे पास क्या आया? नल पॉइंट आया. तो क्या लिख सकते हैं ध्यान सुनो? हम लिखेंगे E-IR. ये देखो E-IR, यहाँ का पोटेंशियल किसके बराबर होगा? V/L * L2 के बराबर. क्या ये बात तुम्हें समझ आई? पक्का? गारंटी? अच्छा, क्या I की वैल्यू पता है हमको? क्या I की वैल्यू पता है? क्या वहाँ पुट कर दें? तो क्या लिखेंगे? E-I. I की वैल्यू क्या है? E डिवाइडेड बाय R प्लस RB * R = V/L * L2. अब ध्यान से देखो, LCM लो, ER, ये देखो ER प्लस ERB माइनस E डिवाइडेड बाय R प्लस RB. पर साथ में क्या, इसके मल्टीप्लाई आर भी करना पड़ेगा, तो ई आर. कहते बात क्लियर? इज इक्वल टू V/L * L2. बेटा ई आर और ई आर क्या हो गया? कैंसिल. तो जो वैल्यू बची, वो बची ई * आर बी डिवाइड बाय आर प्लस आर बी इज इक्वल टू V/L * L2. कहते बात क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर, दोनों को डिवाइड कर दो. क्या कर दो दोनों को बेटा? फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो. तो यहाँ आ जाएगा, देखो V/L और V/L कट गया, यहाँ बचा L1 / L2. क्या बचा? तो यहाँ बचा L1 / L2
इज इक्वल टू बेटा वी बाय एल, वी बाय एल कट गया बेटा, ये ई और ये ई पे कट गया। अरे देखो ना, इसको डिवाइड करेंगे ना यार इससे, तो ई और ई क्या हो गया, ये जो नीचे वाली टर्म थी ये ऊपर चले जाएगी, मतलब यहाँ बचेगा आर प्लस आर बी डिवाइडेड बाय आर बी। अरे क्या तुम्हें ये बात समझ आया नहीं आया, आया नहीं आया, सिंपल डिवाइड है। उसके बाद देखो हमको आर की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं एल वन बाय एल टू इज इक्वल टू आर बाय आर बी प्लस वन। इसको अलग अलग कर दिया ना, इसको आर बी अलग, इसको आर बी अलग, आर बी आर बी वन। तो यहाँ पे आया एल वन बाय एल टू माइनस वन इज इक्वल टू आर बाय आर बी, और जो आर की वैल्यू आई वो आई एल वन बाय एल टू माइनस वन इंटू आर बी 100%। आर बी रेजिस्टेंस बॉक्स क्या हमको पता है, हमने लगाया। क्या एल वन जॉकी हमने लाई थी, हाँ, एल टू हमने लाए थे, आर निकालना था निकाल दिया। बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे इस पे, सीधे बोलेंगे हमको L1 और L2 मिल गया, L1 और L2 की वैल्यू गिवन होगी, R की वैल्यू गिवन होगी, क्या छोटा R नहीं निकाल सकते हो, खत्म। मान लो उसने बोला बैलेंसिंग लेंथ है जो 3 मीटर और 4 मीटर पे आई, कितने मीटर पे, तो यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे या बेसिकली L1 आपको वो क्या करेगा, बढ़ा देगा, अरे माइनस में थोड़ी चाहिए वैल्यू, तो ये 4 मीटर ये 3 मीटर, आर बी की वैल्यू 2 दे देगा, तो क्या आर नहीं निकाल सकते, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ये देखो ये करंट यहाँ बह रही है, आई वाली पिछली बार ये था ही नहीं तो बह रही नहीं थी, अच्छा एक मिनट कंफ्यूज मत हो जाना सर, आप हो रहे हो यहाँ पे आई जीरो है फिर यहाँ आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू इस सर्किट के लिए पता है ना तुम्हें, कंफ्यूज मत हो ना सर, नल पॉइंट पे तो आई की वैल्यू कितनी मानेंगे, जीरो, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर किया हमने, बट ये जो करंट है वो यहाँ बह रही है उधर नहीं जा रही, क्लियर है ना, ये करंट इस सर्किट में बह रही है पता है ना, हाँ सक्षम पक्का ठीक है, यहाँ तो आई जीरो है, क्या क्लियर है पक्का, क्वेश्चन कर सकते हो, बोल दिया बैलेंसिंग लेंथ L1 10 है, L1 कितनी है और L2 है 9, कितनी है बेटा, ये L2 कम होगी ना, ये देखना L1 माइनस L2 बटे 2, तो L1 से L2 माइनस करेंगे ना यार, इसका मतलब कहने की बात है, मैंने आपको पहले बोला ये कुछ यहाँ पे होगी L2, मतलब सही बताऊँ तो मैं ये ऐसे देखो ना, उसने बोल दिया L1 की वैल्यू 10 है कितनी है और L2 की वैल्यू उसने दे दी 8, और R बता दिया उसने 2 ओम, उसने बोला R बताओ क्या बताओ, तो सीधे क्या पुट करें, L1 बाय L2 यानी 10 बटे 8 माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू 2 आर इज इक्वल टू बेटा 10 बटे 8 बटे 8 इंटू 2 ऐसे ही आएगा, तो 2 बटे 2 इंटू 1 क्या 2, खत्म। अरे क्लियर है बात, पक्का गारंटी, देखा ना, अगर आपका L2 बड़ा हो जाए तो क्या ये माइनस में आने लग जाएगा, आंसर आने लग जाएगा, नहीं आने, हाँ देखो ना, अगर मान लो ये 8 होता और ये 10 हो जाता तो आप क्या लिखते, आप लिखते 8 माइनस 10 बटे 8, अच्छा अरे नल्लो यहाँ 8 आना है ना, कुछ तो बोला करो, ये आ जाएगा R इज इक्वल टू 2 बटे 8 इंटू 2, तो 4 बटे 8, तो 1 बटे 2 0.5, क्लियर है, तुम भी हाँ में हाँ मिलाते हो, समझ गए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आसान से कर सकते हो, सब कुछ गिवन होगा। अच्छा इसका अच्छा देखते हैं, एक और अच्छा करते हैं, इसी को लिख दो फॉर्म सेकंड, नहीं फॉर्म सेकंड जल्दी लिखें, फॉर्म सेकंड इसी का, कितनी बात क्लियर, हमको R1 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, R1 वही क्वेश्चन है इंटरनल रेजिस्टेंस, बट इस बार फर्क क्या है, इस बार मैंने इसका R भी लिया और ये वाला R भी लिया, क्या पिछली बार ये लिए थे, मैंने नहीं लिए थे ना, इस बार लिए, क्लियर, तो कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से बेटा, पहले हमको इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, आपको पता है ये अगर ये है तो ये जीरो है, तो ये जीरो है, तो ये जीरो है, तो ये जीरो, ये तो आसान है, बट क्या ये ई है इस बार, नहीं आर भी तो आ रहा है ना, बीच में वो भी तो है। अब सुनो,
सबसे पहले करंट निकालेंगे बेटा। करंट क्या होता है? ई डिवाइड बाय आर प्लस आर, सॉरी साथ में निकालते हैं, ई डिवाइड बाय आर प्लस आर। तो इसमें यही है, ई डिवाइड बाय आर प्लस आर। कहते हैं बात क्लियर? इसका मतलब जो करंट फ्लो कर रही है वो कर रही है ई डिवाइड बाय, ये वाली करंट फ्लो कर रही है। कितने रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है? क्या आर में? तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू है E डिवाइड बाय R प्लस R, और साथ में क्या लगा देंगे? एक कहते बात क्लियर है? क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल मिल गया मेरे को? हाँ, V भी मिल गया और जीरो भी मिल गया। क्या क्लियर है बात? पक्का इसके अक्रॉस पोटेंशियल। तो L1 में कितना मिलेगा बेटा? L1 में कितना मिलेगा, ध्यान सुनो, बहुत आसान है। L1 में जितना मिलेगा, क्या डिवाइड कर दें इसको इसको L1 से? अरे पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? V बटे L इंटू L1। तो क्या लिखेंगे देखना ध्यान से, V बटे L इंटू L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी ध्यान से? E R डिवाइड बाय R प्लस R। ये किसकी वैल्यू है? V की। ये किसकी वैल्यू है? V की, डिवाइडेड बाय L क्या इंटू L1। मतलब यहाँ का पोटेंशियल हमको मिल गया। एक बार यहाँ से निकालेंगे और एक बार यहाँ से, क्या दोनों बराबर होंगे? इक्वेट कर देंगे। आ जाओ यहाँ पे देखो, ये जीरो, तो बेटा ये E1, इस बार करंट फ्लो कर रही है, मैंने बोला सर्किट है। तो यहाँ पे माइनस आर वन, मतलब यहाँ का पोटेंशियल आ गया E1 माइनस आई वन आर वन। मान लो करंट यहाँ पे I1 फ्लो कर रही है, क्या फ्लो कर रही है? आई वन। तो यहाँ से प्लस माइनस जाएगी, तो ये आएगा आई वन आर वन। कहते हैं बात क्लियर? कहते हैं बात क्लियर? ठीक, यहाँ से करंट देखता हूँ मैं कितनी जा रही है। फॉर्मूला वही, ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। इधर का ई लिया ई वन डिवाइड आर, यहाँ का आर लिया आर वन, और यहाँ लिया आर बी। कहते बात क्लियर है? पक्का? अच्छा बेटा, यहाँ का E1 माइनस आई आर वन, मान लो नल पॉइंट मिल जाए, मिल गया L1 पे, तो क्या I0 मान लेंगे यहाँ पे? अगर I0, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल है ये वाला, वही पोटेंशियल यहाँ का, मतलब ये और ये बराबर है। ये देखो ये वाली टर्म, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखना, यहाँ का पोटेंशियल था E1 माइनस आई वन आर वन, पर क्या I1 की वैल्यू पता है हमको? वहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी E1 माइनस I1 की वैल्यू क्या है? E1 डिवाइड बाय R प्लस आर बी इंटू आर वन। तो ये आ जाएगा E1 R, अच्छा यहाँ पे R1 है ना, E1 R1 इंटू E1 R B माइनस E1 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R B। बेटा ये और ये क्या हो गया? कैंसल, यहाँ प्लस आना। तो ये वैल्यू बच गई हमारे पास E1 R B डिवाइड बाय R1 प्लस R B। क्या इतनी बात क्लियर है? अभी हम बोल रहे हैं ये क्या, ये दोनों इक्वेट हैं, बराबर हैं। ये यहाँ का पोटेंशियल है ना, और वो वहाँ का पोटेंशियल, दोनों बराबर ही हैं। तो दोनों को क्या कर दो? इक्वेट कर दो बेटा। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई आर डिवाइड बाय आर प्लस आर इंटू एल इंटू एल वन इज इक्वल टू ई वन आर बी डिवाइड बाय आर वन प्लस 100%। क्या क्लियर है बात? अगर आप ध्यान से देखो, आपको सब वैल्यूज पता है इसी क्वेश्चन में, सिर्फ एक R1 नहीं पता है। क्या नहीं पता है? अच्छा सुनो, क्या E पता है? हाँ हमने लगाई है। क्या R पता है? हाँ। क्या छोटा R पता है? हाँ। क्या बड़ा R पता है? हाँ। क्या L पता है? हाँ, टोटल लेंथ। क्या L1 पता है? बैलेंसिंग हाँ हमने की है। क्या E1 पता है? हाँ। क्या R भी पता है? हाँ। क्या R भी पता है? हाँ। हमको R1 नहीं पता है। क्या नहीं पता है? वही तो है, नॉन रेजिस्टेंस निकाल दिया ना। अरे क्लियर है बात? क्या मुश्किल लगा तुम्हें ये? नहीं है, वही सेम चीज़ें हैं, आंसर दोनों से सेम आएंगे, बट फर्क है। उसमें L1 L2 की कहानी थी, इसमें मैंने आपको E से सिखाया। ये नहीं समझ आया तुम्हें? पक्का? कितनी समझ आया ये वाला? पक्का? बोर्ड में मत करके आना, ये बोर्ड में वही करना जो पीछे कराया है। R इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू R1, क्योंकि आपको L1 L2 दी होंगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। लिख देना लास्ट में ओनली R1 is unknown, rest all known, बाकी सब पता है, सिर्फ R1 ही पता नहीं है हमको।
अच्छा आई वन यहाँ नहीं जा रही है, आई वन यहाँ बह रही है, शायद तुम्हें अब तक पता लग गया होगा। मिटा दिया जाए, जल्दी करें। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। क्या स्टार्ट करेंगे? कैपेसिटर। हालांकि सेकंड चैप्टर में आता है, मैंने आपको पहले बता दिया था, पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बात पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन किए हैं, जितने भी उसमें कैपेसिटर लगा दें तो सारे वो क्वेश्चन वो किसके बन जाते हैं? कैपेसिटर के। तो हम फालतू टाइम कैपेसिटर में वेस्ट नहीं करेंगे, बट हाँ आपको प्रॉपर पता चलेगा कि करंट कहाँ से आ रही है और कहाँ से जा रही है। क्लियर है? हमने क्वेश्चन जैसे उसमें किया था ना, जंक्शन लॉ लगा देते थे, आई वन आई टू आई थ्री लगाते थे ना, जंक्शन लॉ जहाँ से नहीं निकलता है। इसमें हम चार्ज को कंजर्व करेंगे, क्या करेंगे? क्यू वन क्यू टू प्लस क्यू थ्री जीरो कर देंगे, बस ये फर्क है। क्लियर है? तो जितने क्वेश्चन हमने आर में किए थे उतने क्वेश्चन हम सी में भी करेंगे, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। क्लियर है? तो प्लीज़ पढ़ के आना, तेजी से करेंगे, कैपेसिटर खत्म 7-8 दिन में, ज़्यादा टाइम हम उसमें बर्बाद नहीं करेंगे। क्या मिटा दिया जाए? ठीक है, हेडिंग डालेंगे सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, तीनों एप्लीकेशन आपकी खत्म हो चुकी हैं, हेडिंग डालेंगे सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा सुने अब बेटा, हमने एक चीज पढ़ी, उसको हमने बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला? पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा, जिसकी वैल्यू क्या थी? V बटे L। क्या वैल्यू थी? अच्छा मुझे सिर्फ इतना जवाब दो, अगर मुझे एक अच्छा पोटेंशियोमीटर बनाना है, क्या बनाना है? गुड पोटेंशियोमीटर अगर मुझे बनाना है, तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं कम रखूं या ज्यादा रखूं? कम रखूं या देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कम रखूं, कम रखें ज्यादा रखें, कम या देखो लॉजिक के साथ बताओ, तुक्के नहीं मारने, कम ज्यादा था ही दो आंसर, या तो कम या तो ज्यादा, क्या रखें? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि जो हमने लेंथ ली थी है ना, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, यही मतलब है। ठीक, अगर आप सुनो, अरे बातें बंद करें, बातें बंद करें बेटा, V बाई L। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन बोलता है ज़्यादा और कौन बोलता है कम? कितने बंदे बोलते हैं ज़्यादा रखें? अरे तुक्का ही मार लो, ज़्यादा वाले हाथ खड़े करें, ऐसे दो ही बंदे, बाकी कम वाले। सारी बात सुने, हम V बाय L को रखें, कम रखें, क्या रखें बेटा? कम रखें, समझाते हैं। अब इसको कम कैसे कैसे कर सकते हैं, अरे पूरा समझाऊंगा, पर पहले बताओ, पहले ये बात मान लो हमने V बाय L को क्या रखना है? कम। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा रखना है? कम। बेटा इसको कम कैसे कर सकते हैं? या तो V को कम कर दो या तो L को ज़्यादा कर दो। अरे यही है ना यार, या तो V को क्या कर दें या तो L को क्या कर दें, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा आ जाओ समझाते हैं। अगर आपने ध्यान से, तो मैं क्वेश्चन में क्या 10-10 मीटर ले रहा था बार बार, है ना, क्यों ले रहे थे? आज वो समझते हैं बेटा, ये जो वायर होती है ना 10 मीटर की होती है, कितने मीटर की? 10 मीटर कितना होता है, कुछ बता सकता है? ये कम होगा, क्या हो गए? तो सोचो ऐसे क्या डबल लगाना पड़ेगा तब जाके 10 मीटर होगा, है ना? तो फिर मतलब कि हमको जेसीबी वगैरह चाहिए पोटेंशियो मीटर लगाने के लिए, चाहिए ना यार, इतना लंबा हो गया फिर वो। तो हम कैसे बनाते हैं पोटेंशियो मीटर असली में, देखना ध्यान से, ऐसे होता है। ध्यान से देखो, ये एक वायर है, ये 1 मीटर की होती है, कितने मीटर की होती है बेटा? ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, क्या 2 मीटर, फिर ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, और क्या है ये 10 मीटर, मतलब ये टोटल कितनी होती है 10 मीटर। अरे किसने बोला सीधा सीधा रखो, घुमा घुमा के रखेंगे, कहाँ रखेंगे? घुमा घुमा के 10 मीटर। क्लियर? अरे लकड़ी का गत्ता होता है, क्या होता है?
देखा होगा तुमने ऐसे करके, यहाँ पे इनपुट आउटपुट होता है और ऐसे करके वायर्स होती हैं, कैसी होती हैं ऐसे करके? यही आपका पोटेंशियोमीटर, कुछ भी नहीं, एक हाथ में आ जाता है, क्या आ जाता है, एक हाथ या दस होती हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, जितने भी एक्स्ट्रा होंगे देख लेना, दस होती हैं बेसिकली। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, हमने एल को तो बढ़ा दिया, अब हम क्या वी को कम कर सकते हैं? सुनना नहीं, अब सुनना ध्यान से, पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्यों कम रखना चाहिए बेटा? सबसे छोटी आप देखो, ये एक मीटर है ना, एक मीटर है ना, सबसे छोटा आप 0.1 मेजर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 0.1 सुना, इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे यार फॉर्मूला क्या था? वी बाय एल इंटू एल वन, एल वन क्या है? 0.1, तो 0.1 इंटू वी बाय एल यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या इतनी बात क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, मान लो आपके पास ऐसा स्केल है, ये स्केल है, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4। अब सुनो, मान लो 0.1 से जब 0.2 चले आप, तो इस केस में आपका 20 वोल्ट की रीडिंग शो होगी, कितने की? और यहीं पे आपको 0.1 से 0.2 गए तो इसने आपको 10 वोल्ट की रीडिंग शो की, कितने की? तो बेटा ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, ऊपर वाला नीचे वाला? ध्यान से सोचना, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला। अरे अगर ऊपर वाला होगा, मान लो आपकी 15 की रीडिंग आई, वो दिखाएगा क्या? उस नहीं दिखाएगा ना, वो तो डायरेक्ट 20 लेगा। क्या लेगा? मान लो 11 की रीडिंग आई तो दिखाएगा क्या वो 20? उसमें ज्यादा क्या होगा? एरर होगा। इसमें एरर कितना होगा? कम। कहने का मतलब है ज्यादा चलने पे अगर वो कम वोल्ट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तो एरर कम होगा। मान लो थोड़ा सा चले और सीधे 50 वोल्ट आगे चले गए, तो बेटा 0 से 50 तो खा गए ना सारे आप, तो उसमें एरर ज्यादा हो गया। पर मान लो आप 0 से 1 चले, 0 से, तो आपका आया 0, आपका आया 5 वोल्ट, तो आप ज्यादा से ज्यादा एरर किसकी कर सकते हो? 5 वोल्ट की। पर पिछले वाले में कितनी कर सकते थे? 50। तो मतलब कम चलने पे ज्यादा वोल्ट बढ़े या ज्यादा चलने पे कम बढ़े? ज्यादा चलने पे कम चलने पे तो वो एरर ज्यादा होगी फिर उसमें। इसका मतलब ज्यादा चलने पे कम वोल्टेज आए। क्लियर है? मान लो 0.1 से 0.2 गए तो 10 बढ़ा, कितना बढ़ा? 10। तो बेटा 10 का एरर कर सकते हो। बट मान लो वहीं पे 100 बढ़ गया तो एरर कितना का हो गया? 100 का एरर हो। अरे क्लियर हुई बात? पक्का? ज्यादा एरर किसमें हो रहा है? इसका मतलब वी बाय एल को क्या करो? कम रखो। अच्छा अब आप बोलेंगे सर वी को घटाई दो फिर, है ना, वी को ऐसे रखो 0.1, 0.2, 0.3, फिर तो एरर बहुत कम होगा, क्योंकि जैसे आप चलोगे 0.1 0 पॉइंट में रीडिंग है, फिर तो एरर और कम हो गया ना। मान लो 5 की जगह पहले आप मेजर कर रहे थे 7, अब 5 की जगह 4.9 मेजर करोगे या 5.1 मेजर करोगे। बट बेटा जो आप सेल लगा रहे हो वो इतने छोटे छोटे थोड़ी होंगे, बड़े भी होंगे। तो अगर आप इतनी छोटी छोटी लोगे बोलते तो वो मेजर ही नहीं कर पाएगा उसको। तो मतलब इसको हम कम कर सकते हैं, बट सिग्निफिकेंटली। कैसे कम कर सकते हैं? मतलब ऐसे नहीं अपनी मर्जी से, क्लियर है, अपनी मर्जी से नहीं। हाँ बट हम एल को बढ़ा सकते हैं। एल को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, तभी हमने एल 10 मीटर लिया। क्लियर है बात? बट क्या एल बढ़ाने में गलती नहीं हो रही है? हो रही है गलती। अगर आप ध्यान से देखो, जब मैंने इसको बनाया तो क्या मैंने ये वाली लेंथ मेजर ही नहीं की? अरे ये तो एक्स्ट्रा है ना, ये देखो ये लेंथ कैसी है? एक्स्ट्रा। बेटा ये एरर बना रही है। क्या बना रही है? क्योंकि जब हम इसको घुमाएंगे तो एक मीटर तो हम ये ले रहे हैं ना, देखो एक मीटर हम ये तो कंसीडर ही नहीं कर रहे। टच थोड़ी करनी है एक दूसरे के साथ, चिपका देंगे एक दूसरे के साथ, थोड़ा गैप रखना है उनके बीच में, नहीं रखना है, टच थोड़ी करेंगे एक दूसरे के, थोड़ा गैप रखेंगे, तो वो जो गैप है वो एरर बनाएगा। क्या बनाएगा? तो ऐसा नहीं है सिर्फ घुमाते जाओ फिर तो एरर बहुत ज़्यादा बन जाएगी। कहते बात क्लियर है? इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम रखो। कैसे रखो? कम रखो, बट वी को हम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, वी को ज्यादा घटा नहीं सकते, पर एल को हम बढ़ा सकते हैं, ये भी ज्यादा नहीं बढ़ाना। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? समझ आया? फिर से बताओ कंफ्यूजन नहीं, बिना पर कंफ्यूज के बताओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हम ज्यादा एरर कब होगा? कम लेंथ में ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा लेंथ में कम वोल्टेज? कम चलने पे ज्यादा वोल्टेज। बिल्कुल, कम चलने पे ज्यादा वोल्टेज। अगर कम चलने में ज्यादा वोल्टेज है तो एरर ज्यादा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? पक्का? अच्छा देखना, ऐसा होता है पोटेंशियोमीटर, इतना सा होता है, देखो इतना, एक मीटर का ही होता है। कितने का होता है? अरे एक मीटर का ही होगा ना, लाइन वायर्स तो हमने ऐसे लगाई है नीचे को।
क्या नहीं समझ आया, फिर से समझाऊं? जल्दी बोलो। हाँ आ गया मुनीश, कम चलने पे ज्यादा या ज्यादा चलने पे कम? अच्छा इंस्ट्रूमेंट, अच्छा इंस्ट्रूमेंट, ज्यादा चलने पे कम, ज्यादा चलने पे कम वोल्टेज दिखा है, बट इतनी भी कम नहीं कि वो फिर नाप ही नहीं पाए, सिग्निफिकेंटली कम है ना। हाँ नॉर्मल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम करते जाओ, इंस्ट्रूमेंट तो खतरनाक बन गया है, पर वो वोल्टेज ही नहीं है जो नापनी है, 30 नापनी है, वो है ही 20 है, उसमें 20 कहाँ, 5 है उसमें, आपने 0.1 0.1 बनाया है, कहाँ बनेगा वो,